कविता जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कविता जी, स्वागत आपका। जय हिंद। हाँ जी मैडम जी, मैंने एक बात पूछनी थी। 2-3 महीने से ना जी पीरियड्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक तो जी कई दिन तक रहते हैं, और फिर जी 10 दिन ठीक रहते होए थे जी, बाद में हल्का हल्का सा दिखाई देवे जी। इसकी कोई बताओ प्रॉब्लम जी। एक मेरे को ना नाड़िया वैद्य के पास गई थी मैं, फैटी लीवर की प्रॉब्लम बताई जी उन्होंने। फैटी लीवर की। हाँ जी, जैसे मैं पूरा दिन ऐसे खाट में पड़ी रहूं जी ना, तो एनर्जी शरीर में पूरा दिन मतलब पड़ी रहूं जी, काम भी नहीं बनता घर का। और देखिए, फैटी लीवर का भी एक टेस्ट होता है। सोनोग्राफी कराते हैं हम अपने पेट की, वो मशीन से देखते कराते हैं ना ऐसे, तो उसमें पता चल जाता है कि फैटी लीवर है कि नहीं है। हालांकि सिम्टम तो वही बता रहे हैं कि फैटी लीवर है। और फैटी लीवर के लिए आप धनिया, सौंफ, इन दो चीज़ों का पाउडर बनाएं, 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून, ये दो चुटकी नमक जैतून, असली लेना, नकली बहुत मिलता है। दो चुटकी नमक जैतून पानी में डालें और इस पानी से धनिया और सौंफ का आधा चम्मच पाउडर दिन में 2 बार खा लिया करें। खाने से पहले भी खा सकते हैं और बाद में भी खा सकते हैं, तब आपको सारे रोगों में फायदा होना मुमकिन है। तबस्सुम, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाले सलाम। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, कब से दिक्कत है? अब 4 साल हो गए। उम्र कितनी है आपकी? 40। क्या बताया डॉक्टर ने? तवस्सुम, वो खींचने की गोलियां दे दिया है। सांस की तकलीफ वैसे अमूमन जो है फेफड़े की कमजोरी से होती है, या किसी किसी को दिल की वजह से भी होती है, लेकिन आपकी उम्र इतनी नहीं लगती कि आपको दिल की तकलीफ होगी। तो अगर आपको फेफड़े में परेशानी है तो लिसोड़ा लीजिए, उन्नाब लीजिए, अलसी लीजिए, तीन चीज़ें 100-100 ग्राम लें और गुठली निकाल दें उन्नाब की, वो फेंक दें। लिसोड़ा, उन्नाब और अलसी, ये तीन चीज़ें 100-100 ग्राम लें और पीपले इसमें 30 ग्राम मिला लें। इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह निहार मुँह गर्म पानी या चाय के साथ खाएं, 1 चम्मच रात को सोते वक्त खाएं, 2-3 महीने खाएं फिर बताएं। वैसे ये इलाज 6-7 महीने करना चाहिए। जी, आगरा से हैं मिथिलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ हेलो। जी मैम, सवाल आपका। हाँ, मेरा नाम मिथिलेश शर्मा है, मैं आगरा से बोल रही हूँ जी और आपका प्रोग्राम देख रही हूँ मैं। जी मैम, शुक्रिया। हाँ तो मैडम, है ना, ये दवाई तो आ गई है आपके यहाँ से। हाँ, कौन कौन सी दवाई आई? ये है गोंद स्याह और जैतून का सिरका। ठीक है हाँ, और दीदी मैं आपको टीवी पर भी देख रही हूँ। जी मैम जी। हाँ तो बस अब ये है कि बीपी तो मेरा ना कंट्रोल हो गया है, तो अब सिर से लेके पैर तक बस जकड़न है। इसकी दवाई और बताइए प्लीज। और देखिए, हेलो। आपके पास आपका बीपी तो कंट्रोल हो गया और आपके पास गोंद स्याह आ गया, बस काफ़ी है। शरीर की जकड़न के लिए, शरीर में दर्द के लिए, घुटनों में दर्द के लिए, कमर में दर्द के लिए, कहीं भी दर्द के लिए गोंद स्याह को, इसको पाउडर बना लें और दो दो चुटकी दिन में 2-3 बार खाने के पश्चात पानी से लें, या ये सिरके के पानी से लें, 2 चम्मच सिरका 1 गिलास पानी में डाल के इसके साथ लें और दो दो चुटकी लें, आपकी ये तकलीफ़ भी जाना मुमकिन है। जी, कश्मीर से गुलाम हसन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, जी नमस्कार सर। हाकिम साहब से मिलाइए जरा। जी बात हो रही है, गुलाम भाई मैं हाजिर हूँ, बताइए। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम। जरा सुन लीजिए, अर्ज है। जी चाहतों का मुजरिम सदा रखना,
चाहतों का भरम सदा रखना चाहतों का भरम सदा रखना, आंधियों में दिया जला रखना। वाह, दिल मोहब्बत का एक खजीना है। दिल मोहब्बत का एक खजीना है। हाँ। दिल के जख्मों को तुम हरा रखना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जनाब से भी अर्ज है कि आप भी अपना जरा कलाम सुनाइए। अरे मैं तो रोज कलाम सुनाता हूँ, बताएं आप अपना अहवाल, बताएं कि क्या मशवरा है। अर्ज ऐसे है कि मुझे बैक ये छः डिस्क की जनाब प्रॉब्लम थी। डिस्क में प्रॉब्लम? हाँ जनाब, वो मैंने गोंद सिया खाया, गोंद सिया जनाब खाया 3 डब्बे, तो वो सारी दर्द जो है, वो तकलीफ जो है, दूर हो गई है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। दूसरों को भी बताता हूँ, इंशाल्लाह दवाइयाँ भी मंगाते हैं आपसे, दूसरों को भी दे देते हैं। जी, तो अर्ज ऐसे है कि आज मुझे प्रॉब्लम है हकीम साहब, पाँव के तलवे जो है ना, दोनों पाँव के तलवे जो है वो बहुत जलते हैं, और पाँव की उंगलियों के बीच में खारिश होती है। खारिश होती है, जलन। हाँ, खारिश, सेवेलिक वगैरह नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा सवाल है मेरा ये कि मुझे यूरिक एसिड है 7.7, तो उसका भी इलाज बताइए, उसका दवाई क्या खाए। उम्र कितनी है सर आपकी? उम्र है मेरी 73 साल, 73 years। ठीक है सर जी, 73। हाँ देखिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके जनाब, कश्मीर वालों। और एक आती है अलसी, सभी लोग जानते हैं अलसी को, अपनी अपनी इलाके की ज़बानों में क्या कहते हैं नहीं मालूम, लेकिन अलसी आप ज़रूर समझते होंगे, नहीं तो आप सर्च कर लेना अलसी क्या होती है। अलसी को ले लें तो 300 ग्राम और हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें, और नमक जैतून ख़रीद लें असली, नकली का बड़ा मसला है, और एक दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, और इस पानी से आधा चम्मच अलसी खाएं, दिन में 2 बार, खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं। तो ये यूरिक एसिड के लिए, पेट के लिए, लीवर के लिए, जलन के लिए, और गौंसिया अभी आप कुछ रोज़ और खाएं, 2-3 महीने और खा लें गौंसिया, तो ये बाकी तकलीफें भी आपकी जाना मुमकिन है। जी, असम से हैं रिया जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम। हाँ जी मैम, मैं अपनी सासू माँ के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। हाँ, उनके जोड़ों में दर्द है। जी, उम्र कितनी है उनकी? नमस्कार। नमस्कार मैम। हमारा घुटना में दर्द था, तो गौंसिया मंगाए थे, 2 महीना हो गया, और हमको सूजन है। कितना फायदा हुआ आपको अभी तक? अभी तक फायदा तो हुआ है, लेकिन हमारा सूजन है, ये बारे दहिना हाथ और छाती आधा लेकर एक ठो पैर में। देखिए अभी 2 महीने हुए हैं, और अगर 50-60% फायदा हो गया है तो कोई घबराने की बात नहीं, और 2-3 महीने लग सकते हैं। और अगर हाथ में किसी के दर्द है इसमें, या इसमें, या छाती में दर्द आ रहा है, या अभी भी पिंडली में दर्द है, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। देखिए मैं करके बता रहा हूँ, ये नसें हमारे गर्दन में दब जाती हैं, जो छाती की तरफ आ रही हैं, या मोंडे की तरफ, हाथ की तरफ, कोहनी की तरफ, या सर में भी दर्द होता है इससे। ये एक्सरसाइज करें रोज़ाना 3 मिनट, और 3 मिनट ये एक्सरसाइज 3-3 मिनट रोज़ करें,
और 15 दिन बाद आप देखेंगे कि ये आपकी तकलीफ कम होती जाती है और धीरे धीरे आप बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। जबलपुर से हैं हरी जी, स्वागत है आपका। जी जी बताएं सर। मैम नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद जय हिंद, स्वागत है। हमारी मिसेज गिर गई थी। हाँ। तो उनके वो जिसमें कुछ गड़बड़ी है और एक्सरे कराए थे तो डॉक्टर साहब बताए थे कि दिल से खिसक गई है। साइटिका जी। जी ठीक है जी सर। अधिक गिरने से या ज़्यादा वज़न उठाने से या ज़्यादा काम करने से हमारे ये कमर के पीछे की डिस्क में नसें दब जाने को साइटिका कहते हैं, और ये अच्छा भी हो सकता है। पहले तो ये कि उन्हें ज़्यादा मेहनत का काम ना करने दें, वज़न ना उठाने दें, और ये ज़रूरी है कि वेस्टर्न टॉयलेट उनके घर में हो, कुर्सी वाला शौचालय, और झाड़ू पोछा ना करने दें इनको, कुछ दिन के लिए किसी और से करा लें। और वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए और गौंद स्याह खरीद लीजिए, गौंद स्याह खरीद लें असली, आधा ग्राम सुबह दें नाश्ते के बाद और आधा ग्राम शाम को दें दूध या पानी से। आधा ग्राम देखिए इतना होता है जितना बड़ा वाला चना, काबली चना जिसे कहते हैं, इतना आधा ग्राम होता है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दूध या पानी से दें, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद। तो ये आप अगर 2-3 महीने देंगे तो आपकी श्रीमती जी अच्छी हो सकती है। सुनीता गुप्ता जी जुड़ गई हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्ते सरिता जी। नमस्कार मैम। सरिता जी मेरे को ना बुखार आ रहा कुछ दिन से, पेट में सूजन भी है मेरे को, और मैं गोंद सिया ले रही हूँ, गोंद मोरिंगा ले रही हूँ, और पता नहीं बुखार क्यों नहीं उतर रहा मेरे को, ये पूछना था हकीम साहब से। हकीम साहब की दवाइयों से आराम है? हाँ जी आराम है मेरे को। वो फिर जी देखिए इस वक्त बहुत ज्यादा टाइफाइड का मरज चल रहा है, जिसको देखो टाइफाइड, बच्चों को बड़ों को, पेट का रोग है ये, पेट में आंतों में सूजन और सड़न पैदा हो जाती है, गंदगी हो जाती है, इंटेस्टाइन में गंदगी हो जाती है। इसके लिए डॉक्टर का इलाज साथ में लें, 7 दिन या 10 दिन वो आपको इसका इलाज देंगे, एंटीबायोटिक दवाएं चलेंगी, तब आप से ही बुखार जाएगा। इसमें क्या होता है कि हल्का बुखार रहता है और पेट में हल्की तकलीफ भी रहती है, तो इसका इलाज कराना ज़रूरी है। चाहें तो आप अपने खून की जांच करा लें कि कौन सा बुखार है। वैसे आजकल टाइफाइड का दौर है और इसका ज़रूर इलाज कराएं, आप ये दवा खाते रहें, आपको फायदा मुमकिन है। जी श्वेता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। मैम बैजी से ये पूछना था कि 50 साल की हमारी उम्र है, तो मतलब वीकनेस बहुत रहती है बॉडी में, चक्कर से आते हैं जैसे उठने बैठने में, चक्कर लोड भी है थोड़ा, वर्क लोड भी है। अच्छा देखिए ये वीकनेस और चक्कर और ये सब अच्छे हो सकते हैं, मेरी एक बात मान लें आप, ऐसे बैठे रोज़ाना और ये एक्सरसाइज करें 3 मिनट, और एक ये ऐसे 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 ये भी 3 मिनट करें, और एक आता है गोंद सिया, काला गोंद खरीद लें असली, नकली बहुत मिलता है ये, और आधा ग्राम रोज़ाना एक बार या दो बार खाने के पश्चात दूध या पानी से खा लिया करें, आपको आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी।